हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ चैनल पर न आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आज इस वीडियो में बात करूंगा एक और बेस्ट शेयर्स के बारे में और भाई जो आज का हमारा जो शेयर्स है वो एक पैनी स्टॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छा है इसकी जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है मैं आपको बता दूँ और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है अगर आप एक आध हज़ार रुपये इसमें लगा के छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि जब भी आप कोई बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते हो तो भाई वो हज़ार रुपये का कभी कभी एक शेयर से ही आता है लेकिन यहाँ पर आपको एक हज़ार रुपये के एक हज़ार शेयर्स मिलेंगे जो कि आपको फ्यूचर में मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ जब आप पैनी स्टॉक्स की बात करते हैं एक रुपये दो रुपये की तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक दो साल में ये आपको करोड़पति बना देंगे ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं बना पाता हाँ लेकिन ये फ्यूचर में जो आपके जो हज़ार रुपये हैं ये फ्यूचर में कम से कम आपको टेन लाख या ट्वेंटी लाख या वन करोड़ भी हो सकते हैं फ्यूचर का मतलब हुआ कम से कम दस साल के लिए दस साल कम से कम दस साल अगर आप एक रुपये के स्टॉक्स को दस साल रोक सकते हैं आराम से रोक सकते हैं यार एक रुपये का स्टॉक्स में कोई ज़्यादा नहीं है कोई करोड़ों रुपये नहीं लग गए तुम्हारे ना लाखों रुपये लग गए ओनली हज़ार रुपये लगेंगे हज़ार रुपये को आप दस साल नहीं रोक सकते क्या आपका कोई कोई नहीं काम बिगड़ रहा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दो तो एक हज़ार रुपये से कोई काम नहीं बिगड़ रहा लेकिन अगर आपने पैसन रखा और दस साल के लिए तो मैं बता रहा हूँ दस साल आपको ये लाइफ चेंज कर देंगे हंड्रेड परसेंट एक करोड़ भी हो सकते हैं भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ हो सकते हैं एक करोड़ क्योंकि इस कंपनी ने जो मात्र पहले पचास पैसे का था ओनली पचास पैसे का और एक साल में इसने एक से सात परसेंट तक का एक से छः परसेंट तक का रिटर्न दिया है तो भाई एक साल में इसने रुपए दोगुने कर दिए तो दस साल में आप सोच सकते हो कितने रुपए किए होंगे तो पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ तो आज की जो हमारी कंपनी है वो है वी यू ओवरसीज लिमिटेड और इस कंपनी का जो वर्क है वो वर्क इसका है जो टी प्लांट होता है ना टी प्लांट उनको ये लगाती है जो बाग़ान वगैरह होते हैं चाय के बाग़ान उनको ये लगाती है तो इसकी जो मार्केट कैप है तो वो है वन पॉइंट फाइव वन करोड़ और स्टॉक का जो पीई है वो फिफ्टीन पॉइंट थ्री है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है डेट फ्री है एकदम जीरो कोई भी इस पर डेट नहीं है सबसे अच्छी बात है ये पैनी स्टॉक्स जब आप देखते हैं और उसमें डेट फ्री हो तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है और नेट प्रॉफिट तीन लाख है बहुत छोटी कंपनी है रिटर्न ओवर वन इयर्स में वन नॉट सिक्स एक से छः परसेंट तक का रिटर्न दिया है इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी अगर बात की जाए रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो एट पॉइंट थ्री थ्री है और फ्री कैश फ्लो इसके पास बहुत है अट्ठाईस लाख है डिबेट है नहीं है फ्री कैश फ्लो प्रो है प्रोमोटरों की होल्डिंग ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट है और डिविडेंट इससे तुम डिविडेंट क्या ले तो जीरो है ई पी एस दो पैसा है जो कि ऑड डिबिट टू टू जीरो है जे भी बहुत अच्छा है अब देख लो इसमें प्राइस में ये लो था कितना बावन पैसे का हाई गया है वन पॉइंट वन सेवन एक रुपये सत्तर पैसे तक यानी कि इसने एक साल में ही दोगने रुपए कर दिए भाई अगर इसके देखो मैं बात करूँ इसके थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ आपको ये थोड़ा जूम थोड़ा करके ग्राफ दिखा देता हूँ ये देखो वन ईयर्स में देख रहे हो कहाँ पर ये था ओनली चौवन पैसे का था और कहाँ आई गया है ये यहाँ पर रुका है ये देखो यहाँ पर रुका है एक रुपये सात पैसा अगर सिक्स मंथ की बात की जाए तो सिक्स मंथ में भी काफ़ी बड़ा है किस तरीके से यहाँ से यानी तिरानवे पैसे से लेके एक रुपये बारह एक रुपये बारह सात पैसे तक गया है तिरानवे से थ्री मंथ में भी थ्री मंथ में भी यानी कि देखो ना इतना छोटा शेयर्स है और कितना इक्यासी पैसे था थ्री मंथ में और सत, कितने बड़ा एक रुपये सात पैसे तक पहुँच गया थ्री मंथ में अगर इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात की जाए तो प्रोस्ट ये है क्योंकि कंपनी पूरी तरह डिबेट फ्री है कोई भी इस पर डिबेट नहीं है कॉन्स की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फाइव पॉइंट फोर जीरो टाइम्स इट्स बुक वैल्यू और प्रोमोटरों की होल्डिंग थोड़ी लो ही है और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी थ्री ईयर्स में डाउन हुई है तो आप इस में इतने छोटे स्टॉक्स में कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं कोई ज़्यादा भी नहीं हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसकी जो पीयर्स कंपनियां हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि इनके कितने महंगे महंगे स्टॉक्स हैं अडानी एंटरप्राइस सत्रह सौ रुपये हैं इंडस्ट्री ट्रेडिंग है यही सेक्टर है और ये देख लो एम एम है और एगिस्ट लॉजिस्टिक दो है रैगिंगटन इंडिया एक सौ पचपन है और कार्टिक ट्रैक नौ सौ अट्ठानवे है नौ सौ अड़सठ है और ये है हमारी कंपनी इतनी छोटी बी यू ओवर एक रुपया सात पैसा बहुत ही अच्छा है और पूरी तरह डिबेट फ्री है कोई भी डिबेट नहीं है इसके पास और इसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है वन नाट फाइव दिया है इन सब से अच्छा दिया है इससे इससे से इससे इससे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है किसी ने भी नहीं दे पाया ओनली अडानी एंटरप्राइजेस ने दिया है रिटर्न दो सौ छियासी परसेंट का एक साल के अंदर लेकिन उसका स्टॉक का प्राइस सत्रह सौ चालीस है जो एक है। और इसके आएंगे सत्रह सौ उसका आएगा एक तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डाल देता हूँ तो जो नेट प्रॉफिट है वो देखो यहाँ से ये यह माइनस में आ रही है पूरी दो हजार अठारह से ये पूरे माइनस में चल रहा है नेट प्रॉफिट और यहाँ आके ये यह पॉजिटिव हो गई भाई जून और सितंबर 21 में ये पॉजिटिव हो गई ऐसे ही ईपीएस इधर देखो माइनस में था ये पूरा माइनस में चला आ रहा है ईपीएस और यहाँ से आके ये प्लस में आ गया यानी कंपनी प्रॉफिट में आ रही है धीरे धीरे कारोबार बढ़ा रही है तो काफ़ी अच्छी है कंपनी और इसका और कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है अगर आपको और ज़्यादा डाटा अवेलेबल चाहिए तो आप अडानी एंटरप्राइजेस ख़रीद सकते हैं इसका डाटा पूरा मिल जाएगा तो ये कंपनी थी आज की हमारी जो कि बहुत अच्छी है बी ओ ओ ओ ओवरसीज और इनमें जो प्रॉफिट वो मार्केट होता है वो मंडे टू ट्यूजडे ही होता है पूरे हफ्ते नहीं चलता मार्केट एकदम मंडे को खुलता है तभी ये एकदम अपर सर्किट लगेगा या डाउन सर्किट लगेगा जो भी कुछ लगे वो मंडे को ही होता है फिर एक हफ्ते तक नहीं होता है क्योंकि ये छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़ते हैं उसके बाद जब इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है फिर में डेली डेली कारोबार होता है तो आप देख सकते हैं कि एक साल पहले बावन पैसे का था और एक रुपये सात पैसे तक हाई गया है अभी करंट में चल रहा है तो इसने दुगना तो कर ही दिया एक साल के अंदर तो अगर आप इसमें हज़ार रुपये लगा के आठ से दस साल के लिए छोड़ देते हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक साल में जब इसने एक से छः परसेंट तक रिटर्न दिया है तो दस साल में क्या हो सकता है इतने तो आप समझदार हो तो ये थी हमारा बेस्ट शेयर्स जो आपको करोड़पति बना सकता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए